नमस्कार, एवं तेज देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपर फास्ट बुलेटिन। भारत चीन तनाव पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा भारत और चीन से बातचीत कर रहा अमेरिका, ट्रंप ने की मध्यस्थता के जरिए दोनों देशों की मदद की पेशकश। अमेरिका से जारी तनातनी के बीच ईरान ने उठाया बड़ा कदम, ओमान की खाड़ी में किया क्रूज मिसाइल का परीक्षण, 280 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर लगाया सटीक निशाना। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी, दुनिया में कोरोना से 89 लाख से ज्यादा लोग हुए संक्रमित, अब तक 4.5 लाख से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान, तो वहीं 47 लाख से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। भारत में भी कोरोना का कहर लगातार जारी, संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 4 लाख के पार, तो अब तक 13,254 लोगों की मौत, तो वहीं 2,27,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। राजस्थान में भी कोरोना संक्रमण का बड़ा ग्राफ, आज 154 नए कोरोना के पॉजिटिव मामले आए सामने, कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या हुई 14,691, तो कोरोना से अब तक 341 लोगों ने गंवाई जान। भारत चीन तनाव के बीच सेना के अधिकारियों का बड़ा फैसला, एलएसी पर कमांडर्स को मिली खुली छूट, अब हालात के हिसाब से फैसला ले सकेंगे कमांडर। गलवान विवाद पर रक्षा मंत्री ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, सीडीएस समेत तीनों सेना प्रमुखों का किया मंथन, मीटिंग में की लद्दाख की जमीनी हालत की पूरी समीक्षा। शहीद जवानों के मुद्दे पर फिर हमलावर हुए राहुल गांधी, गलवान में हुई हिंसा के बाद पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा नरेंद्र मोदी है असल में सरेंद्र मोदी। शिवसेना ने दसा पीएम मोदी पर तंज, सांसद संजय राउत ने कहा डोनाल्ड ट्रंप के हारने के बाद मोदी पर जाएंगे अकेले, क्या केवल पाकिस्तान के लिए ही की थी सर्जिकल स्ट्राइक। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी ने किया देश को संबोधित, कहा जो हमें जोड़े और साथ लाए वही तो है योग, पीएम ने की लोगों से योग अपनाने की अपील। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आईटीबीपी के जवानों ने किया योग, 18,000 फीट की ऊंचाई पर किया योगाभ्यास, बर्फ की चादर पर किए अलग अलग आसन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया ट्वीट, आमजन से की योग को अपनाने की अपील, कहा भारत में प्राचीन काल से ही होता आ रहा है योग का प्रचार और अभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने दिया संदेश, घर पर ही परिवार के साथ योग करने की अपील की, कहा जीवन को संतुलित और स्थिरता प्रदान करता है योग। सावन में भी नजर आएगा कोरोना का असर, कोरोना संकट के चलते कांवड़ यात्रा स्थगित, 3 राज्यों ने लिया फैसला। कोरोना के चलते यूपी हरियाणा उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, इस साल कांवड़ यात्राओं को नहीं मिलेगी इजाजत, 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक। कोरोना संक्रमण के बीच भारत ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, ग्लेनमार्क कंपनी की दवा को डीजीसीआई ने दी मंजूरी, कोविड-19 के इलाज के लिए पहली खाने वाली दवा पेश। सरकार ने बड़े पैमाने पर साइबर हमले की दी चेतावनी, कोरोना की आड़ में धोखाधड़ी की आशंका, सीआईआरटी ने किया जारी अलर्ट। कश्मीर में आतंकियों पर सुरक्षा बलों का डबल अटैक, दक्षिण कश्मीर में 2 जगहों पर हुई बड़ी कार्रवाई, श्रीनगर शोपियां में 4 आतंकी ठेर, तो वहीं सेना और पुलिस ने चलाया था संयुक्त ऑपरेशन। जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले में पाक ने की फिर से नापाक हरकत, संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए दागी गोलियां, सेना ने पाक आर्मी को दिया माकूल जवाब। साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण आज, 900 साल के बाद लगा ऐसा महाग्रहण, 25 साल बाद अंगूठी की तरह नजर आया सूर्य। आज साल के सबसे बड़े दिन हुआ सबसे लंबा सूर्य ग्रहण, घटसाना और सूरतगढ़ में सूर्य का 99% हिस्सा छिपा चंद्रमा की छाया में, तो वहीं राजधानी जयपुर में 88% छिपा सूर्य का हिस्सा।
सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस। सोशल मीडिया में ट्रोलिंग के बीच सलमान खान ने की फैंस से अपील, कहा गलत भाषा का ना करें इस्तेमाल और सुशांत के समर्थकों के साथ खड़े हो मेरे फैंस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बॉलीवुड दीवा से किया विश, अभिनेत्री बिपाशा बासु ने ट्वीट कर बताया योग के फायदे, कहा सही मायनों में आपको रिलैक्स करने में सबसे ज्यादा कारगर है योग। फादर्स डे पर अजय देवगन ने किया पिता को याद, अजय ने की वीरू देवगन के साथ बॉक्सिंग रिंग की फोटो शेयर, कहा जिन्हें हम प्यार करते हैं वो हमसे कभी दूर नहीं जाते। देश भर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, यूपी के लखनऊ में मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने किया योगाभ्यास, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा पूरा ध्यान। यूपी के बिजनौर स्थित अशोका होंडा शोरूम में लगी भीषण आग, घटना में लाखों रुपए का नुकसान की संभावना, शॉर्ट सर्किट के चलते हुआ हादसा। यूपी के बिजनौर में विशाल अजगर ने बनाया बकरी को निवाला, जिसके बाद वन विभाग ने अजगर को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। सांप का वजन 40 से 50 किलो और सांप की लंबाई करीब 3 मीटर थी। 15वें दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि, आज 38 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल, तो वहीं डीजल के दामों में 59 पैसे की हुई बढ़ोतरी, 15 दिन में 8 रुपए से ज्यादा महंगे हुए पेट्रोल डीजल। राजस्थान में गर्मी और उमस के बाद बदला मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने जताई प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की संभावना, 25 जून तक दक्षिण पश्चिम मानसून दे सकता है एंट्री। भीलवाड़ा में भी मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, शिवाजी उद्यान में लोगों ने किया योगाभ्यास, तो कार्यक्रम से पूर्व छात्रों ने बांटे हैंड सैनिटाइजर, तो सैनिकों को भी दी गई श्रद्धांजलि। झलावाड़ के खानपुर में कोरोना का प्रकोप, सारोला में 2 कोरोना पॉजिटिव मिले से मचा हड़कंप, प्रशासन ने पूरे इलाकों को किया जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित। योग दिवस पर जयपुर के अखिल विश्व गायत्री परिवार ने किया योग सेशन का आयोजन, लोगों से विभिन्न आसनों का किया अभ्यास, तो वहीं लोगों से की योग को अपनाने की अपील। जैसलमेर के नासा में सूर्य ग्रहण को लेकर बाजार रहे बंद, धर्म पुण्य में लगे व्यापारी, तो वहीं लक्ष्मीनाथ गौशाला में भी नजर आई श्रद्धालुओं की भीड़। उदयपुर के सेमारी में सूर्य ग्रहण के अद्भुत नजारे देखने उमड़ी बच्चों की भीड़, लोगों ने अपने घरों की छत पर जाकर एक्सरे पेपर और काले चश्मे लगाकर देखा सूर्य ग्रहण, मोबाइल कैमरा में कैद करने के प्रयास में दिखाई दिए कई लोग। सीकर के फतेहपुर में नजर आया सूर्य ग्रहण का असर, मंदिरों के कपाट के साथ साथ बाजार भी रहे बंद, लक्ष्मीनाथ बसनेर में सूतक के दौरान हुई महाआरती। बीकानेर में सूर्य ग्रहण देखने के लिए शिक्षा विभाग ने की विशेष व्यवस्था, विज्ञान भवन में इसके लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसमें लोगों को दूरबीन के माध्यम से सूर्य में हो रहे बदलाव दिखाए गए, इतने नजदीक से सूर्य को देखने के बाद लोग रोमांचित थे। नागौर के पूर्व सांसद पीआर चौधरी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दी शुभकामनाएं, मुंडवा के तेजास्थली में मनाया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, स्कूली बच्चों के साथ पूर्व सांसद ने किया योगाभ्यास, कहा योग से आध्यात्मिक मानसिक और शारीरिक विकास होता है। अजमेर में कोरोना के चलते लोगों ने घरों में ही मनाया योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिला कलेक्टर ने सभी को घरों में रहकर योग करने के दिए थे आदेश, इसके बाद में लोगों ने घरों में ही किया योग। नागौर के कुचामन सिटी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर घरों और खेतों में किया लोगों ने योग, इस दौरान परिवार के सदस्यों ने अनुलोम विलोम और कपाल भाती के साथ किया व्यायाम। अलवर के बानसूर में भाजपा के पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश वर्मा ने सरकार पर साधा निशाना, कहा बानसूर और रामगढ़ को आनंद फानंद में नगर पालिका किया घोषित, बानसूर में जनसंख्या अधिक होने के बावजूद चतुर्थ श्रेणी में रखकर किया भेदभाव। हनुमानगढ़ के रावतसर में विशेष कार्यशाला का आयोजन, पालिका अध्यक्ष नीलम सारण ने की अध्यक्षता, कोरोना से बचाव के उपायों की दी जानकारी, तो वहीं महामारी से बचाव के पोस्टर और पुस्तकों का हुआ वितरण। सिरोही के शिवगंज में आयोजित 3 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ समापन, विजेता टीम को दिया गया 15,000 रूपये इनाम, और ग्रामीणों ने किया सभी खिलाड़ियों का स्वागत। अलवर के रामगढ़ में युवती ने किया आत्महत्या का प्रयास, युवती के भाई ने रामगढ़ थाने में एक युवक के खिलाफ दर्ज कराई रिपोर्ट, कहा युवक के परेशान करने पर बहन ने छोड़ी पढ़ाई। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, रतनपुर बॉर्डर पर ट्रक की कैबिन से 15 कार्टन शराब की जब्त, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राजधानी जयपुर में एक बार फिर एटीएम लूट का प्रयास, इमरजेंसी सारण बजने के बाद फरार हुआ बदमाश, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई बदमाश की तस्वीर, पुलिस कर रही है फिलहाल आरोपी की तलाश। जैसलमेर के नाशा कस्बे में टिड्डी दल का कहर, किसानों के चेहरे पर छाई चिंता की लकीरें, स्थानीय लोगों ने पाली और थाली और तेज आवाज का यंत्र प्रयोग कर टिड्डी दल भगाने का कर रहे हैं प्रयास।
बीकानेर के कोलायत में टिड्डियों का हमला लगातार जारी। झज्जू, बीटलोक, दिरियारता, हाटला, भटियान सहित दर्जनों गांव में टिड्डियों ने बोला धावा, तो किसानों ने टिड्डियों को उड़ाने के लिए की भरकर प्रयास। अलवर के बानसूर में चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका। रघुनाथपुर गांव में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देकर चीन के सम्मान का किया बहिष्कार। इस दौरान भाजपा उपाध्यक्ष शिवलाल यादव, रमेश सुबेदार, मोहित लांबा आदि रहे मौजूद। पाली के खिवाड़ा कस्बे में चीनी वस्तुओं का किया बहिष्कार। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने शहर में चीन के खिलाफ निकाली आक्रोश रैली, तो वहीं 2 मिनट का मौन रखकर शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन।